ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ईआरसीपी पर अब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सियासत जोर पकड़ सकती है। भले ही केंद्र और राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हो, लेकिन सच तो ये है कि इस प्रोजेक्ट के मसले पर प्रदेश के 83 विधायकों की साख दांव पर लगी हुई है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के 49 और बीजेपी के 25 विधायक इसमें शामिल हैं। इनमें 16 मंत्री भी हैं। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं और इसमें ईआरसीपी का मामला भी मुद्दा बने बिना नहीं रहेगा। राज्य की अशोक गहलोत सरकार के मंत्री कांग्रेस और उसके समर्थक विधायक प्रोजेक्ट को हटाने को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ होने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वहीं बीजेपी इस मसले पर हो रही देरी को लेकर पूरी तरह राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को असफल साबित करने की कोशिश करेगी। आरसीपी में प्रदेश के 13 जिले शामिल हैं। अगर ईआरसीपी प्रोजेक्ट पूरा होता है तो इन 13 जिलों के 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। ये प्रोजेक्ट इन जिलों के लिए वरदान साबित होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और अपने विरोधी विधायकों की भूमिका को कटघरे में खड़ा करने के लिए इस मुद्दे को उठाया है। सबसे ज्यादा घाटा भाजपा को होता नजर आ रहा है। नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर जो जनप्रतिनिधि जनता के बीच अपनी बात रखेगा उसको विधानसभा चुनाव में जरूर लाभ होगा। पंजाब के सिटी टीवी के लिए हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।